गर्मी का मौसम था और चार दोस्त कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। वेटर अंदर से कोल्ड ड्रिंक्स की चार बोतल अपने साथ लाता है और टेबल पे रख देता है और वापस चला जाता है। चारों दोस्त कोल्ड ड्रिंक की बोतल को टच करते हैं और उनमें से एक दोस्त जोर से वेटर को आवाज लगाता है, अरे भाई इधर आओ, तुमने मुझे कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल दी है वो बिल्कुल ठंडी नहीं है। इतना सुनते ही वेटर तुरंत भागकर अंदर से बाहर आता है और उनकी टेबल के पास पहुंच जाता है। चारों बोतल को देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से कौन सी बोतल ठंडी नहीं है। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप उस वेटर की मदद करेंगे? ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी बोतल ठंडी नहीं है, ए बी सी या डी, और क्यों नहीं है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, तीन बोतल के ऊपर पानी की भाप वेपर्स दिख रहे हैं जबकि एक बोतल बिल्कुल नॉर्मल है। उसके पीछे रीजन ये है, बाहर की हवा गर्म है, जब वो ठंडी बोतल के कांटेक्ट में आती है तो उसकी हीट बाहर से अंदर की तरफ बोतल में जाती है। अब जो वेपर्स हवा में थे उनकी हीट लूज हो गई, उसके वजह से वो बॉटल्स में जमा हो जाते हैं, इसलिए ठंडी बोतल के ऊपर वो वेपर्स दिखते हैं। वेटर उस बोतल को उठाकर ले जाता है और दूसरी बोतल लाकर दे देता है जो एकदम ठंडी होती है। चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी अचानक उनमें से एक दोस्त को उल्टी होने लगती है और बहुत तेज पेट दर्द होने लगता है। वो अपना पेट पकड़कर चिल्लाने लगता है। सभी वेटर वहां पे आ जाते हैं। वो रेस्टोरेंट काफी बड़ा था और वहां काफी वेटर काम कर सकते थे। क्या फोटो को देखकर बता सकते हैं यहां कितने वेटर काम करते हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वेटर के ड्रेस को देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ कितने वेटर हैं। चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेम ड्रेस पहना हुआ है, मतलब होटल में चार वेटर काम करते हैं। इतने में वहाँ का मैनेजर होटल पहुंचता है। अरे इसे क्या हुआ? और वह वेटर को अपनी गाड़ी की चाबी देते हुए कहता है, जल्दी से आप लोग इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। तीनों दोस्त उसे उठाकर बाहर लेके आ जाते हैं। क्या आप सामने की पार्किंग स्टैंड को देख के बता सकते हैं मैनेजर की गाड़ी कौन सी हो सकती है, ए बी सी या डी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अब टू व्हीलर की चाबी मैनेजर पांच लोगों को जाने के लिए तो नहीं देगा, मतलब कार ही होगी। बी कार काफी टाइम से यहाँ खड़ी है, उस पर ट्री की लीव्स भी आ चुके हैं। मैनेजर तो अभी आया है। सी कार पंचर है, मतलब डी वाली मैनेजर की कार होगी। वेटर गाड़ी स्टार्ट करता है और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनका वो दोस्त लगभग बेहोश हो चुका था। हॉस्पिटल के सामने अंदर जाने के लिए उन्हें दो रास्ते दिखते हैं। क्या आप हॉस्पिटल को ध्यान से देख के बता सकते हैं उन्हें कौन से रास्ते से दोस्त को अंदर लेके जाना चाहिए, ए या बी? सोचे लॉजिकल आर्मी। रास्ता टू के ऊपर लगे बोर्ड पे देखिए, वो इमरजेंसी वार्ड है। उनका दोस्त बेहोश हो चुका है और गंभीर हालत में है, तो उन्हें इमरजेंसी वार्ड में उसे लेके जाना चाहिए। लॉजिकल आर्मी, हमेशा ध्यान रखें, इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी वार्ड में ही पेशेंट को लेके जाए। हर हॉस्पिटल की एंट्री पे ये होता है। वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं और तुरंत डॉक्टर उसे एक रूम में लेके जाता है और इलाज शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आता और कहता है, उसके पेट के अंदर बहुत ही जहरीले केमिकल मिले हैं, शायद उसने कोई जहरीली चीज खाई या पी है। तब उनमें से एक दोस्त कहता है, इसका मतलब हमने जो कोल्ड ड्रिंक पी थी उसमें घटिया केमिकल का यूज किया गया होगा। अब इस केस को डिटेक्टिव मेहुल ही सॉल्व कर सकता है। और वो डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देता है। मेहुल भी इतनी गर्मी में दोपहर के समय कूलर की हवा ले रहा था। तभी मेहुल की रिंगटोन बजती है और जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है वो दोस्त मेहुल को पूरी डिटेल्स देता है। मेहुल तुरंत अपनी ड्रेस पहनता है और गाड़ी से निकल पड़ता है। वह उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और मैनेजर से कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, सच सच बताओ तुम लोग कौन से कोल्ड ड्रिंक बेचते हो और ये सारा माल कहाँ से खरीदते हो? सर हमारे यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं बेची जाती है सर, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मेहुल वहाँ की सारी कोल्ड ड्रिंक से सैंपल ले लेता है और सीधा डॉक्टर संजना के लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना की लैब एक मैथ रिडल से लॉक्ड है। क्या आप रिडल को देख के बता सकते हैं इसका कोड क्या होगा? उसी से ये डोर ओपन होगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड कीजिए और लास्ट नंबर से माइनस कर दीजिए, वही कोड होगा। जैसे फर्स्ट में 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 और 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, सेकेंड में 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, तो लास्ट में कोड के लिए 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 और 8 माइनस 4 हो जाएगा 4। मेहुल कोड 4 प्रेस करता है और लैब में चला जाता है। मेहुल डॉक्टर संजना से कहता है, इन कोल्ड ड्रिंक के सारे सैंपल्स को चेक करना है, इनमें जरूर घटिया केमिकल यूज किया गया है। डॉक्टर संजना सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए लैब में लेके चले जाती है और मेहुल बाहर इंतजार करने लगता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है, सर पेप्टिक टाउन के पास एक ट्रक खड़ा है जिसमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स भरी हुई है
और ये सब कोल्ड ड्रिंक्स घटिया केमिकल से बनाई गई है। मेहुल पेप्टिक टाउन में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे दो ट्रक खड़े हुए थे। तो क्या आप इन दोनों ट्रक को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सा ट्रक कोल्ड ड्रिंक्स वाला हो सकता है, ए या बी? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले वाले ट्रक में तो साफ साफ दिख रहा है कि सीमेंट की बोरियां रखी हुई है। अब कोई बोरियों में कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल तो रखेगा नहीं, जबकि दूसरी ट्रक में बहुत सारी पेटियां रखी हुई है जिनके ऊपर कूल कूल लिखा हुआ है, मतलब इसी में कोल्ड ड्रिंक्स होगी। मेहुल उसके पास जाकर एक पेटी ओपन करता है तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल भरी हुई थी। ये ट्रक एक बड़ी सी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ था और फैक्ट्री का नाम था जेके ब्रदर्स। तभी मेहुल की नजर ट्रक के आगे वाले हिस्से पर पड़ती है जिस पर भी लिखा हुआ था जेके ब्रदर्स। इसका मतलब ये ट्रक इसी फैक्ट्री के मालिक का है। मेहुल उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और वहाँ के मैनेजर से कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे खबर मिली है कि इस फैक्ट्री में घटिया क्वालिटी की केमिकल यूज होती है और कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती है। तो वो मैनेजर घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इसका फैसला तो कोल्ड ड्रिंक्स की टेस्टिंग करने के बाद होगा कि क्या सही है और क्या गलत। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लेता है और लैब में डॉक्टर संजना के पास पहुंच जाता है और कहता है, इसकी भी टेस्टिंग करनी है। और उस रेस्टोरेंट वाले सैंपल का क्या हुआ? तब डॉक्टर संजना कहती है, उन कोल्ड ड्रिंक्स में तो कोई भी केमिकल नहीं था, बल्कि वो तो सेफ और पीने के योग्य कोल्ड ड्रिंक्स है। ये कैसे हो सकता है? उस रेस्टोरेंट की कोल्ड ड्रिंक पी के एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच गया था। मुझे ये सच्चाई का पता लगाना होगा। थोड़ी देर बाद फैक्ट्री वाली कोल्ड ड्रिंक्स की भी रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि फैक्ट्री वाली कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बहुत घटिया क्वालिटी की है, उसमें वो केमिकल है जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। मेहुल तुरंत पुलिस फोर्स के साथ उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वहां के मैनेजर और मालिक सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फैक्ट्री को सील कर दिया जाता है। मेहुल वहां के फैक्ट्री मैनेजर से शहर के उन सारे लोगों के नाम पूछ लेता है जहां जहां वो कोल्ड ड्रिंक सप्लाई होती है। उनमें से एक नाम उस रेस्टोरेंट का भी था जहां की कोल्ड ड्रिंक पीकर उन चार दोस्तों में से एक दोस्त अस्पताल पहुंच गया था। भला ये कैसे हो सकता है? उस रेस्टोरेंट की कोल्ड ड्रिंक के सैंपल में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद मेहुल उन चारों दोस्तों में से उसी दोस्त को कॉल लगाता है जिसने मेहुल को सबसे पहले कॉल किया था और उसे मेहुल पूरा मामला वापस बताने बोलता है। पूरा मामला सुनते ही मेहुल समझ जाता है कि रेस्टोरेंट के सैंपल में केमिकल क्यों नहीं मिला। तो क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी क्या हुआ होगा? क्योंकि हॉस्पिटल में उन चारों दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट का एक वेटर भी गया था और चाबी मैनेजर ने दी थी अपनी खुद की कार की और चारों को हॉस्पिटल भेज दिया। इसी बीच उसने कोल्ड ड्रिंक भी बदल दिया। उसे ऑलरेडी पता था कि दोस्त की तबीयत खराब क्यों हुई है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट और शहर की बाकी दुकानों को भी सील कर दिया जाता है जहां पे ये कोल्ड ड्रिंक बेची जा रही थी। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। और लॉजिकल आर्मी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 मिलियन पे आ रही है मेहुल की मूवी। थैंक यू।